केवल डिग्री हासिल करिबा नुहे। भारत मेधा शक्ति रे भरपूर एक देश। शिक्षा को चाकरी सहित जोड़ी थिला ब्रिटिश शिक्षा पद्धति। स्वाधीनता परे परिवर्तन आसीथिले मध्य नुआ जातीय शिक्षा नीति आनिछि प्रकृत परिवर्तन। शिक्षक माने डिग्रीधारी बदल रे देश पई युव मानव संबल तयारी करबा उचित। नुआ जातीय शिक्षा नीति प्रसंग रे अखिल भारतीय शिक्षा समागम रे प्रधानमंत्री को परामर्श। मुझे विश्वास है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम में आपके मंथन से निकला अमृत, आपके सुझाव देश को एक नई दिशा देंगे। शिक्षा को संकुचित भावना रु ऊपर को नै एकविंश शताब्दी रो आधुनिक विचार सह जोड़ीबा हेउछि नुआ जातीय शिक्षा नीति रो मुख्य उद्देश्य। मात्र ब्रिटिश शासन समय रे भारतीय पद्धति रे अनेक विकृति आसीथिला, जहाँ शिक्षार मूल उद्देश्य ठारु अलगा बोली जातीय शिक्षा नीतिर कार्यकारिता उपरे वाराणसी आयोजित तीन दिनिया सेमिनार उद्घाटन अवसर रे कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है। अगर हम हमारे देश के पुराने कालखंड की तरफ नजर करें, हमारे यहाँ शिक्षा में अलग अलग कलाओं की धारणा थी। शिक्षा पद्धति युवा पीढ़ी प्रतिभा को संपूर्ण भाव में विकसित करिवार स्वाधीनता देउथबा उचित। विश्वविद्यालय रे पाठ पढ़िनथुवा लोकंक ठारु मध्य अनेक व्यवहारिक कथा शिक्षा करिवार आवश्यकता रहिछि, एवं साधारण अंचलर समस्या को नै मध्य विश्वविद्यालय गुड़िक अध्ययन करिवा उचित बोली परामर्श देथिले प्रधानमंत्री। आपकी यूनिवर्सिटी का तो 50-100 किलोमीटर का जो दायरा होगा, वहाँ की जन सामान्य की समस्या है क्या है, उसके उपाय क्या है, रिसोर्सेज क्या है, उस रिसोर्सेज के लिए क्या किया जा सकता है। तेबे वर्तमान शिक्षक माने विश्वविद्यालय रे केवल डिग्री धारी सृष्टि न करी देश पई युव मानव संबल सृष्टि करबा उचित। देश रे युव पीढ़ी अधिक रु अधिक क्रीड़ा प्रति आकृष्ट होबाकु परामर्श देथिले प्रधानमंत्री। हमारी यूनिवर्सिटी के मैदान शाम को भरे रहने चाहिए, बच्चों को घर भेजने के लिए मेहनत करनी पड़े, ये वातावरण हर यूनिवर्सिटी के मैदान में होना चाहिए। नुआ शिक्षा नीति आंचलिक भाषा रे शिक्षा को अधिक गुरुत्व देछि। जातीय शिक्षा नीति किपरि देशर शिक्षक मानंक पई अपार संभावना सृष्टि एवं एहा द्वारा शिक्षक माने किपरि देशरे परिवर्तन आनि परिबे तार रूपरेख बाबदरे प्रकाश करथिले प्रधानमंत्री। साथियों, मैं स्ट्रे विचारों को इसलिए रख रहा हूं, अनगिनत संभावनाएं हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने आपके हाथ में अवसर दिया है जो पिछले वर्षों में हमारे पास नहीं था। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आया है, ये हमारा काम है उसको आगे बढ़ाए। NEP 2020 हमें यथास्थिति और कठोरता को तोड़ना तथा प्रगतिशील मानसिकता को तथा साथ अपने राष्ट्र के जीवन में परिवर्तनकारी बदलाव की ओर बढ़ाने का अवसर प्रदान करती है। प्रधानमंत्री यूपी मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोग देते। केन्द्र शिक्षा मंत्रालय UGC एवं बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी मिलित सहयोग में आयोजित एक तीन दिनिया सेमिनार में देशर विभिन्न विश्वविद्यालय जोग देते 300 वाइस चांसलर। यहसह घर विश्वविद्यालय विभिन्न उच्च शिक्षानुषान प्रतिनिधि शिक्षाविद माने मध्य सेमिनार में अंशग्रहण करिछंती।